हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज ऑप्शन ए सार्कोमियर, ऑप्शन बी मसल फाइबर, ऑप्शन सी एसआर एंड ऑप्शन डी एक्टिन. सो द की कॉन्सेप्ट दैट विल बी यूज्ड हियर इज सार्कोमियर, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है मसल्स की. ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है. सार्कोमियर से फिर मायोफिब्रिल्स बनते हैं. मायोफिब्रिल्स से जाकर के फिर हमारे पास मसल फाइबर्स बनते हैं. मसल फाइबर्स के बाद मसल बंडल बनता है, जिसको फैसिकल कहते हैं. और मसल बंडल से फिर मसल्स बनती हैं. सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, जो कि थिन फिलामेंट्स होते हैं. और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मायोसिन के फिलामेंट्स. सो ये हमारे मायोसिन के फिलामेंट्स हैं और ये एक्टिन के फिलामेंट्स हैं. ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर बनता है यहाँ से यहाँ तक. इसको कहते हैं सार्कोमियर. तो जो सार्कोमियर होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, बार बार रिपीट होती है. और उससे फिर मायोफिब्रिल्स बनते हैं, फिर मसल फाइबर्स, फिर मसल बंडल और मसल्स. तो हमें यहाँ पर पूछा है कि यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज सार्कोमियर, क्योंकि सार्कोमियर ही ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है और फिर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है. हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. थैंक यू.